नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। बात करेंगे कि भारत ने इंडोनेशिया को अपना वोट क्यों दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 अस्थायी सदस्य को चुनने में मालदीव को क्यों हराया और क्या इसके मायने होंगे, सारी चीजों पर हमारी नजर हो। इन दिनों संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बहस चल रही है और सोशल मीडिया पर भी कि भारत कभी मालदीव का बहुत नजदीकी होता था, आज उससे दूर क्यों है। इंडोनेशिया को वोट देने की ओर क्यों अपना रुख साफ कर दिया और इसके चलते मालदीव को सिर्फ 46 वोट मिला और इंडोनेशिया को 144। क्या इसका कारण है? क्यों ज्यादा जो देश है वो इंडोनेशिया के साथ चले गए जब पता चला कि भारत इंडोनेशिया को वोट दे रहा है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि इंडोनेशिया में पतंगबाजी हुई, रामायण के थीम पर काम हुआ, मोदी जी वहां गए, सारी चीजों की हम हकीकत बताएंगे आपको। मालदीव के साथ भारत का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। पिछले कई वर्षों से मालदीव चीन का सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान का, यानी कि चीन वहां पर विकास कार्यक्रम के बहाने दक्षिणी एशिया और प्रशांत महासागर का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। मालदीव जो देश है हिंद महासागर और प्रशांत सागर के बेल्ट में, यहां से चीन भारत को घेरना चाहता है। ऐसे में भारत ने ये फॉर्मूला तय किया कि क्यों ना मालदीव को ही डिफीट करके उसे कमजोर कर दिया जाए। मालदीव में इन दिनों वर्क परमिट जो भारतीयों के लिए था उसे रोकने का आधिकारिक निर्देश आ गया है। पिछले कई वर्षों से मालदीव में भारतीयों के लिए परमानेंट वीजा नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि भारत नाराज चल रहा था और वहां जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत हो सकता है मालदीव को वोट दे दे, लेकिन आज ये स्पष्ट हो गया है कि भारत ने अपना वोट इंडोनेशिया को दे दिया। और भारत ने सिर्फ इंडोनेशिया को नहीं दिया, भारत ने जैसे ही संकेत दिया कि भारत इंडोनेशिया को वोट देगा तो भारत के समर्थन के साथ जो देश है वो सारे देश भी इंडोनेशिया की ओर शिफ्ट हो गए। इंडोनेशिया भारत का समुद्री पड़ोसी देश के अंतर्गत आता है, अंडमान निकोबार से उसके द्वीप काफी नजदीक है। इंडोनेशिया में विश्व का सबसे ज्यादा आइलैंड है, 16,000 से भी ज्यादा आइलैंड है, लेकिन वहां का जावा आइलैंड विश्व में प्रसिद्ध है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड के रूप में जाना जाता है। डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड का अर्थ है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश। संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थाई परिषद है जो अस्थाई सुरक्षा परिषद है, उसमें 5 सदस्य परमानेंट मेंबर है। ये पांचों देश को वीटो की ताकत दी गई। विटो फ्रांस भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आई डिसओबे, मैं मना करता हूं। फ्रेंच में अगर आप देखेंगे तो विटो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। तो जब संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था उस समय 5 देशों को अस्थाई सदस्यता दे दी गई। ये 5 देश कौन से हैं हम आपको बताते रहे। इसमें से अमेरिका जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए, ये पहला देश है। दूसरा देश है ब्रिटेन, यूके जिसे यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड कहते हैं, तो ब्रिटेन सेकेंड देश है। तीसरा देश है रूस, रूस को भी अस्थाई सदस्यता मिला हुआ है। चौथा देश है फ्रांस, फ्रांस को भी अस्थाई सदस्यता है वहां का परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल में। और पांचवा है चीन। ये 5 देश ऐसे हैं जिसे विटो की शक्ति मिली हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि विटो की शक्ति अगर दी गई है तो इसका फायदा क्या होगा। मान लीजिए कि कोई देश युद्ध के कगार पर खड़ा है और इसके लिए आपको संयुक्त राष्ट्र संघ से परमिशन लेना है। सारे देश आपके समर्थक बन करके आगे आ जाते हैं, लेकिन इस 5 में से कोई भी एक देश अगर ऑब्जेक्शन लगा देता है, भले आपके साथ 170 कंट्री खड़े हो लेकिन 5ों में से एक देश ऑब्जेक्शन कर दे, तो ऐसे में
वह काम नहीं होगा, बिल पास नहीं होगा। आपने देखा होगा पिछले कई वर्षों में कि पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने में या वहां के कुछ जो बहुत ज्यादा जिनका नाम है आतंकवादी का उसे पकड़वाने में जब संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव लाया जाता है तो पाकिस्तान के समर्थन में चीन विटो लगा देता है और इसके चलते वह काम रुक जाता है। भारत सरकार एक कोशिश में है कि अपने साथ एक ऐसी टीम बना ले जो आने वाले समय में भारत को भी सुरक्षा परिषद में एक अस्थाई सदस्य के रूप में मान्यता दे दिया जाए, यानी कि वहां भी परमानेंट मेंबर बनने की दिशा में मान्यता मिल जाए। हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा विकासशील देश है तीसरी दुनिया का देश में, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है भारत, एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक धर्म की अच्छी खासी जनसंख्या है और सारे लोग मेल मिलाप से रहते हैं। भारत में कोई धार्मिक उन्माद नहीं होता है। इन सारी चीजों के चलते ही भारत को का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग आधार है कि ग्रोथ इकोनॉमी भी अच्छी है कि भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बना देना चाहिए। फिलहाल जो अस्थाई सदस्य होते हैं उन्हें 5 वर्षों का कार्यकाल होता है और 2-2 वर्षों में चेंजिंग भी की जाती है। तो हम आपको ये बता दें कि जितने अस्थाई सदस्य के लिए एक रूट होता है, मतलब ये रोटेशन सिस्टम है कि एशिया पैसिफिक से कौन सा देश जाएगा, अफ्रीकन होगा, अटलांटिक कंट्री के किनारे का होगा, तो इस बार एशिया पैसिफिक को चांस मिला था, उसमें से एक देश को जाना था, तो मालदीव के स्थान पर इस बार चुनाव हुआ है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया से ये चीजें हैं। अभी हाल में ही इंडोनेशिया में आपने देखा होगा कि वहां लेक टोबा ये वोल्केनिक लेक है जहां पर एक बोट के डूबने से अच्छी खासी लोगों की मौत हो गई है, वहां 200 से 250 लोग मर गए। तो ये लेक टोबा सुमात्रा में है और ये वोल्केनिक लेक इंडोनेशिया का, वहां 16,000 से ज्यादा आइलैंड है लेकिन 2 ही 3 आइलैंड में लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड जो है वो वीरान है। हम आपको समझा रहे थे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडोनेशिया को वोटिंग क्यों दिया गया है, क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र भी है, जनसंख्या में 4th लार्जेस्ट है, तो इंडोनेशिया के समर्थन मिल जाने से और भी कई मुस्लिम राष्ट्र भारत के स्थायी सदस्यता की जब बात होगी तो वो लेने में सक्षम हो जाएंगे। हमारे साथ आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, नई नई चीजों पर हम आपको सटीक विश्लेषण करते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया।